नंबर टू प्रो हीरो होने के साथ हॉक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे एमएजे वर्ल्ड में। हॉक्स की स्ट्रेंथ और उसके चैरिस्मा को देखते हुए वो एक परफेक्ट हीरो लगता है, लेकिन उसके स्माइल के पीछे एक डार्क ट्रेजिक पास्ट छुपा है। हॉक्स को अपनी हीरो आइडेंटिटी मिलने से पहले उसका नाम था केको ताकामी, जो कि क्रिमिनल फैमिली में जन्म हुआ था। हॉक्स के डार्क ताकामी एक लो लेवल के विलेन थे जो कि चोरी चके का काम करते थे, और ताकामी इन क्राइम्स में अकेला नहीं था, उसका साथ देती है हॉक्स की मॉम तुमिए। तुमिए के कोर से वो एक आईबॉल क्रिएट करती है जिसे वो पुलिस पे नजर रख पाती है, और इसी वजह से उसके हस्बैंड हमेशा पुलिस से बच जाते थे। फिर भी उनको कानून और इस दुनिया से छुपके रहना पड़ता था, जिस वजह से हॉक्स का मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड शहर और दुनिया से अलग स्लम एरिया में बीता है। लेकिन ताकामी को यह डर था कि अगर वो हॉक्स को खुला छोड़ देगा तो वो किसी को उसके ठिकाने का पता बता देगा, जिस वजह से वो अपने ही बेटे को हमेशा लॉक में रखता था। और क्योंकि हॉक्स ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तो वो टीवी में जो हीरोज देखता था वो सभी उसे फिक्शनल लगते थे। वेट अ मिनट, कहीं हम जो हीरोज देख रहे हैं वो रियल तो नहीं? वेल, दैट कैन बी ए कॉन्स्पिरेसी थियोरी, लेकिन हॉक्स के मामले में उसे सभी फिक्शनल लगता था। लेकिन उसके थॉट्स तब चेंज हुए जब खुद एंडेवर आके उसके डैड को अरेस्ट करता है। लेकिन तब हॉक्स को पता नहीं था एंडेवर भी मोर और लेस उसके डैड के जैसा ही है। जो भी हो, उसके डैड का अरेस्ट होना उसके परेशानियों का हल नहीं था। उसके मॉम का डर था कि उन्हें भी उनके हस्बैंड के मदद करने के जुर्म में अरेस्ट कर दिया जाएगा, जिस वजह से इन्हें फिर से भागना पड़ता है। इसके कुछ दिनों बाद ही हॉक्स के मॉम उसके लिए एंडेवर का टॉय खरीद के दी, जस्ट बिकॉज़ कि एंडेवर टॉय ऑलमाइट से सस्ता है। गजब बेइज्जती है। लेकिन ये डॉल हॉक्स के लिए होप बना एक प्रो हीरो बनने के लिए और एंडेवर को एडमायर करने के लिए। इवन प्रेजेंट डे में भी हॉक्स एंडेवर के साथ मिलकर लड़ा, और उसे सबसे ज्यादा एंडेवर के ऊपर ही भरोसा है, क्योंकि एंडेवर ही वो हीरो था जिसने हॉक्स को एक्चुअली अपने डार से फ्री किया, जिसके बाद से ये प्रो हीरो हॉक्स के लाइफ का आइडल बना। लेकिन हॉक्स की हीरो बनने की जर्नी शुरू होती है जब वो कुछ सिविलियंस को एक इंसिडेंट में बचाया अपने फेदर क्वार्क से। ये क्वार्क आया है उसके मॉम की थर्ड आई क्वार्क और डार के फेदर वेस्ट क्वार्क से। वेल, अगर इस क्वार्क के बारे में बात करें तो इस क्वार्क की मदद से हॉक्स 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। इनफैक्ट वो इतना फास्ट है कि उसके साइड किक्स आने से पहले ही वो विलेन का सफाया करके चला जाता है, और बेचारे उसके साइड किक्स को उसका फैलाया रायता साफ करना पड़ता है। साथ ही उसके सिंगल फेदर से वो एक इंसान को भी उड़ा सकता है, साथ ही अपने पंखों से वो कूल वेपन्स बना सकता है लाइक स्वॉर्ड एंड डैगर्स। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो हॉक्स के इन्हीं सारी खूबियों को देखते हुए हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इस पे नजर जाता है। वेल, एक हीरो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ कुछ ही काबिल हीरोज को ट्रेन करते हैं अपने प्राइवेट कामों के लिए। व्हाटएवर, ये लोग आके हॉक्स के मॉम को कुछ पैसा ऑफर करते हैं और हॉक्स की मॉम मान भी जाती है। वेट, मतलब कल को अगर कुछ काले कपड़े वाले लोग आके बोले ये लो 20 लाख रुपए, तुम्हारा बेटा हमारा हुआ, तो ये औरत मान भी जाएगी। व्हाटएवर, एचएमएससी के अंडर ही हॉक्स ने अपनी डबल एजेंट हीरो स्पाई ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, और उसके तब के ट्रेनिंग की वजह से ही आज वो इतना पावरफुल है। हॉक्स ने लीग ऑफ विलेन से वाइटल इन्फॉर्मेशन गादर किया बिना किसी मेंबर को शक करने का मौके दिए बगैर, और जो चीज उसे मोटिवेट करता था वो था उसका गोल एंडेवर जैसा ही एक प्रो हीरो बनने का। इवन जब दाबी ने एंडेवर को एक्सपोज कर दिया था, हॉक्स को स्टिल बिलीव था कि एंडेवर अभी बदल चुका है। एट द एंड हॉक्स के पास लाइफ में वो सारे एलिमेंट्स थे जिससे वो एक विलेन बन सकता था। उसके दोनों पेरेंट्स क्रिमिनल थे, उसके लाइफ भी मोर और लेस ताबी जैसी थी जहाँ दोनों के डैड ही दोनों को अब्यूज करते थे। इसके बावजूद दोनों ने ही डिफरेंट पास को चुना, जहाँ एक एंडेवर को एडमायर करता था वही दूसरा एंडेवर से नफरत करता था। देयरफॉर हॉर्स की स्टोरी ये चीज हाईलाइट करती है, कोई भी अपने लाइफ में लाइट को पा सकता है नो मैटर उसका कितना भी ट्रेजिक पास्ट हो। लेट मी नो इन कमेंट्स तुम्हें हॉक्स का कैरेक्टर कैसा लगता है। साथ ही तुम हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए।